हेलो गाइस, वेलकम टू महादेव एडी चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, ये वीडियो बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही है इंस्टाग्राम रील्स में, तो आपको जरूर देखना चाहिए इस वीडियो को कैसे बनाना है। तो चलो गाइस, बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में क्या है, जिनने भी मेरे यार बे लिए, तो गाइस इस तरह का सॉन्ग है, पंजाबी सॉन्ग है, बहुत ही हिट सॉन्ग है, तो उस पर हम अपनी वीडियो एडिट करेंगे। इस वीडियो के लिए हमें सिर्फ एक वीडियो चाहिए अपनी खुद की, उसको हम इस वीडियो में एडिट करेंगे। तो इस वीडियो को एडिट करने के लिए कि हमारे पास सिर्फ एक वी एन एप्लीकेशन होना चाहिए, तो जाइए डाउनलोड कर लीजिए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। जब आप लोग डाउनलोड कर लोगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिया जाएगा। तो सिंपल यहाँ पे अपने प्लस वाले अपने वी एन एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देखेंगे और इस पर प्लस वाले पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे जाएंगे और उसके बाद आपको यहाँ पे एक अपनी वीडियो ऐड करनी है। तो यहाँ पे वो फटाफट आपने वीडियो ऐड कर लेनी है। तो यहाँ पे ये वीडियो है, इसको हम सिंपल यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये वीडियो आ चुकी है। अब यहाँ पे हम जो हमारा ये लास्ट में बैकग्राउंड ऐड हो जाता है, इसको हम सिंपल डिलीट कर देंगे क्योंकि इसका कोई रोल नहीं होता हमारी वीडियो में, ये बस ऐसे आ जाता है। अब यहाँ पे हमारी वीडियो ऐड हो चुकी है। अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे म्यूजिक, जो हमारा म्यूजिक है। तो सिंपल यहाँ पे टैप टू ऐड म्यूजिक पे क्लिक करेंगे, म्यूजिक वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से ये म्यूजिक को चूज कर लेंगे। तो गाइज, म्यूजिक का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड होगा, तो वहाँ से आप सिंपल इसको ऐड कर सकते हैं। तो देख सकते हैं हमारा म्यूजिक यहाँ पे आ चुका है। तो अब हम अपनी वीडियो को दो पार्ट में कट करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल पहले म्यूजिक पे क्लिक करेंगे, वीट पे जाएंगे और यहाँ पे हम म्यूजिक सुन लेते हैं। हमें कहाँ पे दो पार्ट कट करने हैं, जहाँ पे एक ब्लैक एंड व्हाइट होगा और जहाँ पे एक कलरफुल होगा, तो हम दोनों पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे मैं सुन लेता हूँ। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। तो गाइस यहां पे मैंने मार्क कर लिया हुआ है जहां पे हमें अपने कट लगाना है। सिंपल यहां पे मैं कट लगा लेता हूं और उसके बाद यहां पे मैं इसको ऐड कर लेता हूं। तो अब मैं क्या करूंगा, ये वाली वीडियो को मैं फ्रंट पे कर दूंगा, उसको लास्ट में कर दूंगा। तो यहाँ पे इसको मैं सिंपल रखूँगा और यहाँ पे इसको कट कर दूंगा, क्योंकि ये वाली वीडियो मेरी थोड़ी सी अमेजिंग वीडियो है, तो इसलिए इसको मैंने यहाँ पे कट किया हुआ है। तो इसको हम यहाँ पे रखेंगे और ये इतने पे कट कर देंगे और बाकी एक बार डिलीट कर देंगे। अब मैं क्या करता हूँ, जो हमारी फर्स्ट वाली वीडियो है इसको हम ब्लैक एंड व्हाइट कर देते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल फिल्टर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एडजस्टमेंट में जाएंगे और यहाँ पर सैचुरेशन में जाके इसको हम कम कर देंगे कुछ इस तरह से। यहाँ देख सकते हैं ये ब्लैक एंड व्हाइट हो गई है और ये कलरफुल है। इसको कलरफुल और बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल फिल्टर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे A6 वाले कलर पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एडजस्टमेंट में जाएंगे, यहाँ पे कंट्रास्ट इंक्रीज कर देंगे, सेचुरेशन इंक्रीज कर देंगे, वाइब्रेशन इंक्रीज कर देंगे और टेम्परेचर को भी हम इंक्रीज कर देंगे। देन ओके, अब यहाँ पे ये हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिंपल जो हमारी सेकंड फोटो है इस पर मैं क्लिक करूँगा इफेक्ट्स के ऑप्शन पे और यहाँ पे एक इफेक्ट लगा लेंगे, ये वाला। बस एक ही चीज की दुआ। इस वीडियो में मैं थोड़ी सी मैं ऑडियो को तो मैं इस फिल्टर को थोड़ा सा बड़ा करूंगा, जो इफेक्ट हमारा इतना बहुत है। और जहां पे हमारा म्यूजिक खत्म होता है वहां पे अपने अपनी फोटो को रख के और बाकी पार्ट डिलीट कर देंगे। तो जो हमारी फर्स्ट फोटो है, जो फर्स्ट वीडियो है हमारी, उसको हमने रखना है 5.0 सेकंड पे और जो हमारी सेकंड वीडियो है उसको हमने रखना है 3.97 सेकंड पे। आपने ये याद कर लेना है, 3.97 जो है वो हमारी सेकंड पे रहेगा और फर्स्ट पे हमारा 5.6 सेकंड पे। तो अब मैं यहाँ पे अभी आपको वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ कि हमारी वीडियो किस तरह से एडिट हुई है। तो गाइस देख सकते हैं हमारी वीडियो अमेजिंग एडिट हो चुकी है। अगर आपका फ्रेम यहाँ पे सही नहीं आ रहा होगा तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे ओरिजिनल ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे 9:60 का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ पे आपका अच्छा हो जाएगा और यहाँ पे आपने जब आपकी वीडियो अच्छे से एडिट हो जाएगी तो यहाँ पे आपने एक्सपोर्ट कर लेना है। एक्सपोर्ट के लिए आपने यहाँ पे एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे 720 पिक्सल पे अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट करना है। तो यहाँ पे ये 100% प्रोसेसिंग होगी और उसके बाद हमारी वीडियो गैलरी में सेव हो जाएगी। तो आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद होगी। अगर वीडियो पसंद होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पे क्लिक कर देना ताकि ऐसी वीडियो आप तक आते रहे। थैंक यू गाइज, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।